Somas Kumara. And the dignitaries sitting on the dais and friends. मैं यहाँ आज आया हूँ. आने वाला जो चुनाव है फरवरी महीने में है, तो वहाँ में पार्टी मुझे यहाँ आप लोग को हेल्प करने के लिए भेजा है. तो मैं यहाँ में आपका यहाँ हेल्प करने के लिए आया हूँ, क्योंकि इस बार मेघालय में बीजेपी का सरकार बनने का पूरा संभावना है, और इसको मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ. आज का डेट में कांग्रेस दो हो गया, एक कांग्रेस हो गया, एक टीएमसी हो गया, और अभी हम एनपीपी का सरकार चला रहा है, लेकिन एनपीपी का भी इमेज थोड़ा ग्राउंड में खराब हो रहा है ऐसा लग रहा है. इसलिए बीजेपी ने अकेला ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, और मैंने पूरा मेघालय लास्ट दो महीना से मैं मेघालय में घूम रहा हूँ, हर कंस्टिट्यूंसी में जा रहा हूँ, हर मंडल का मैं मीटिंग ले रहा हूँ, और जो सर्वे रिपोर्ट आया है, बीजेपी का सर्वे होता है आप लोग को मालूम है, उसमें से ग्राउंड में देखा है कि कोरोना का टाइम में मोदी जी ने जो साउल भेजा था उसको लेके आदमी पूरा खुश है. मोदी जी का जो स्कीम है, जैसे आप आई वाई घर बोलता है या आपका किसान का पैसा बोलता है, जो भी हो डीबीटी का द्वारा डायरेक्ट बैंक में आता है. बीच में कोई आदमी नहीं होता. पहले क्या होता था, कोई भी स्कीम लेने के लिए आपको पैसा देना पड़ता था. अभी जितना भी सेंट्रल स्कीम आता है आपको डायरेक्ट मिल जाता है, तो आप भी लोग बहुत हैप्पी है. लेकिन ये वोट लेने के लिए अपना कार्यकर्ता सही. जैसे आप एक घर में शादी बनाएगा, शादी बनाने से आदमी को नहीं बुलाने से शादी में तो कोई नहीं आएगा ना. उसी हिसाब से ये निर्वाचन हम लोग के लिए एक शादी है, तो आदमी लोग तैयार है वोट देने के लिए, लेकिन हम लोग जाके घर में वोट भिक्षा मांगना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि आइए बीजेपी को कमल में वोट दीजिए. तो वो हम लोग को करना है, और इसमें सर्वे रिपोर्ट में 24 ऐसा सीट है जहां हम लोग का पूरा जीतने का संभावना है, और आउट ऑफ 24 20 to 100% ही हम लोग जीतेगा, और 20 आएगा तो इस बार सीएम बीजेपी का. हम लोग को यहाँ 60 टोटल सीट्स है, और अकेला सिंगल मेजोरिटी के लिए 31 चाहिए. अभी तक सिर्फ लास्ट टाइम ओनली इस साल के आगे टाइम में कांग्रेस को सिर्फ मिला था हिस्ट्री में, बाकी सबको 20 ऐसा ही सीट मिलता है. और बीजेपी के साथ अभी पास सब पार्टी का लीडर लोग बीजेपी आना मांग रहा है, क्योंकि सेंट्रल में मोदी जी है, कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो गया, और जो भी ओपोजिशन है उन लोग का दम नहीं है मोदी जी से टक्कर लेने का. तो आने वाला 20 साल ये बीजेपी का रहेगा, तो इसको मद्देनजर रखते हुए अभी कांग्रेस का भी बड़ा बड़ा नेता दिल्ली में लाइन लग रहा है, एनपीपी का नेता भी दिल्ली में लाइन पे है, सब कोई बीजेपी में ज्वाइन करना चाहता है, टीएमसी वाला भी ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि अब हम लोग ऐसे खाना खाता है ना, ऐसा तो नहीं खाता है ना. तो अभी तो शिलांग मेघालय में हम लोग ऐसे खा रहा है एनपीपी के साथ मिलके, हमको ऐसा खाना है, क्योंकि मेघालय में जो भी काम कर रहा हो तो मोदी भेज रहा है ना. इसका तो आपका रिजल्ट वो कोरोना का टाइम पे मिला, चावल तो मोदी दे रहा था, सब कुछ मोदी दे रहा है. तो पूरा इस बार ये एक बहुत प्रोबेबिलिटी है. और पहले क्या कांग्रेस क्या बोलता था, हम लोग एंटी क्रिश्चियन बोलता था, एंटी मुस्लिम बोलता था, ऐसा बोलता है. और मोदी जी का बहुत इमेज खराब करने के लिए वो लोग कोशिश करता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ. गोवा में क्रिश्चियन स्टेट है, वहाँ में अपना सरकार है. मेघालय क्रिश्चियन स्टेट है, नागालैंड क्रिश्चियन स्टेट है. इस बार दोनों में लड़ाई होगा. अभी मोदी जी इंटरनेशनल फिगर बन गया, तो ये जो एक
बदनाम है, ये बदनाम को निकालना है। तो कैसे निकलेगा? हम लोग सब मिल के कोशिश करना पड़ेगा। और मैंने देखा है ये जो सीट है, ये सीट तो बिल्कुल बीजेपी का सीट है, बिल्कुल बीजेपी का सीट है। बस हम सबको एकजुट होके लड़ना पड़ेगा। यहाँ में सार पांच सौ एस्पायरिंग कैंडिडेट हो सकता है, सारो पांचो पूरा फील्ड में काम करो पार्टी, लेकिन एक ही को टिकट दे सकता है। पार्टी का हिस्सा होने से भी 500 को तो टिकट नहीं दे सकता है। तो वो लोग खुद मिलके प्रॉमिस करना होगा कि सबका पब्लिक का सपोर्ट के लिए, पब्लिक का भलाई के लिए जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग सब लोग सपोर्ट करेगा, है कि नहीं? राइट ना? सब लोग को हेल्प करना है। मैं मंडल प्रेसिडेंट को भी बोलता हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को भी बोलता हूँ, जितना लीडर बिठा हुआ है सबको मौका दो काम करने के लिए। सब आगे जाएगा, सर्वे होगा, सर्वे में जिसका नाम आएगा उसी को टिकट पार्टी देगा। ये क्लियर कंसेप्ट है। कोई किसी का भाई है, दोस्त है, ऐसे बोल के किसी को टिकट नहीं मिलेगा। तो मैं अभी थोड़ा मंडल का मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ। मैं भी सबसे जान पहचान होना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट सालबर्ट एम संगमा, वाइस प्रेसिडेंट सावन संगमा, एग्जीक्यूटिव मेंबर बिफोर ए संगमा, यस सर, पुलिस स्टेशन मिला के सब टिकन को इंचार्ज बना, ठीक है, नहीं बना तो बना लेना, ठीक है, अच्छा होगा। और बाकी महिला मोर्चा में कौन कौन है? महिला मोर्चा मोर्चा में है ना प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी सब खड़ा हो, मेंबर महिला मोर्चा, महिला कमेटी, महिला कमेटी, अच्छा आपको है मैं तरह के सब हाय हाय अरे टाइप ऑफ महिला ने, ठीक है। तो मैं तो ज्यादा आपका साथ बोलने नहीं आया हूँ, बस बेसिकली आपसे सुनने के लिए आया हूँ। बहुत अच्छा संगठन मुझे दिखाई दे रहा है। मेरा जो महसूस है कि यहाँ में जैसे मैक्सिमम प्रेजेंट है, एक दो नहीं है, वो उसका कुछ वजह है हो सकता है, और खूब शॉर्ट नोटिस में मीटिंग बुलाया गया है, खूब बहुत बढ़िया संगठन खड़ा है। आप लोग अभी फील्ड में जाना होगा, हर बूथ कमेटी, पोलिंग स्टेशन कमेटी बनाना है। हर पोलिंग स्टेशन में एक प्रेसिडेंट होगा, एक सेक्रेटरी होगा, बाकी 10 मेंबर, ऐसा बनाना है। उसके बाद पन्ना प्रमुख बनाना है। ऑलरेडी पन्ना प्रमुख का काम शुरू हुआ है, मंडल ने काम किया है। उसके बाद हो सके तो पन्ना प्रमुख का भी हर पन्ना में एक एक कमेटी बनाना है। जितना संगठन होगा, जितना आदमी को जोड़ेगा, सबको लाना है। अभी एक माहौल खड़ा करना है। आप सबको अपना जो भी रिश्तेदार है, फैमिली है, गांव में है, नेबर्स है, सबको बोलना है इस बार बीजेपी का सीएम पक्का, बीजेपी का सीएम होगा, बीजेपी का सरकार होगा, और इससे तो जीतना है, अच्छा वोट से जीतना है। होगा कि नहीं होगा? ऐसे नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, अब भी होगा। ऐसा साउंड जाना पड़ेगा, कर्नाट भी सोचेगा अरे क्या चल रहा है, ये तो हमारा किया, अभी तो बीजेपी का सीएम होगा। तो इसी मकसद से आप लोगों को काम करना है। मैं यहाँ सिर्फ सुनने के लिए आया था, आप लोग से मिल के बहुत अच्छा लगा। हम ज्यादा बात नहीं बोलेंगे, आपको तो मालूम है दिल्ली ने हमेशा कुछ ना कुछ गरीब के लिए भेजता है, जो पब्लिक के लिए भेजता है। हम बीजेपी का मकसद है अंत्योदया, अंत्योदया मतलब इस सोसाइटी में सबसे जो आर्थिक से दुर्बल है, सबसे वीक पर्सन है, उसको हम लोग को आगे लेके जाना। इसलिए मोदी जी ने बोला सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास, मतलब सबको साथ में लेके जाएगा तो इंडिया आगे बढ़ेगा। हाँ, कोई आदमी एकदम पूरा बहुत अच्छा से जी रहा है और किसी के पास खाने के लिए नहीं है, ऐसा देश हमको नहीं चाहिए। ऐसा कांग्रेस ने बहुत वो लोग बोला है गरीबी हटाओ, लेकिन वो तो गरीब लोग को ही खत्म कर दिया और गरीबी बना दिया। तो वो लोग गरीबी हटाओ का प्रोग्राम लिया था, लेकिन वो लोग
गरीब को एक मार दिया, मतलब हटाओ, मतलब उसी तरफ से वो लोग खत्म करना चाहता था। तो ऐसा बीजेपी नहीं है, बीजेपी का सोच है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, ये दोनों का एक विचार है। बीजेपी का सोच है जो समाज में लास्ट आदमी होगा, अंत्योदय, जो जिसका पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, उसको जब तक आगे नहीं बढ़ेगा बीजेपी काम करते रहेगा, सरकार में रहेगा या नहीं रहेगा बड़ा बात नहीं है। तो हम लोग का ये एक मोटिव लेके काम कर रहा है। और आप देखा है, मैं आसाम देखिए आप कितना, आप लोग का नज़दीक है, कितना काम हो रहा है। हाँ, गुवाहाटी में गया तो देखिए ब्रिज ही ब्रिज बन रहा है, अभी ब्रह्मपुत्र का ऊपर कितना ब्रिज बन रहा है, आप रोड्स देखिए कितना बढ़िया रोड्स है, स्कूल देखिए, हॉस्पिटल बन ही रहा है, कितना बन रहा है। तो ऐसा है बीजेपी का सरकार का नमूना। और असम में महिलाओं के लिए एक स्कीम है, अरुणोदय स्कीम, जो भी दुर्बल महिला है समाज में, बीपीएल का 1250 रुपया करके महीना देता है, हर महिला को मिलता है। यहाँ मिलता है नहीं, क्यों नहीं मिलता? बीजेपी सरकार होगा तभी ना मिलेगा, ऐसे नहीं होगा, सीएम बीजेपी का होना है। तो अभी हम लोग का पास 2 MLA है, असम में भी 2011 में 6 MLA था, सिर्फ 6 था, 6 से हम लोग 60 जीता 2016 में। त्रिपुरा में 0 था, 0 का बाद हम लोग सरकार बनाया। हरियाणा में 4 था, वहाँ से हम लोग सरकार बनाया, क्योंकि मोदी जी को हर कोई चाहता है। इसलिए हर आदमी को अगर अच्छा से जीना है, आपका अगर जीवन अच्छा होना है, तो मोदी को जी का साथ रहना है, खाना ऐसे खाना है, ऐसा नहीं खाना, ठीक है ना? ये तो और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसी शब्द के साथ मैं अपना भाषण विराम देना चाहता हूँ। आप लोगों को अगर कुछ बोलना है आप लोग बोल सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं।